आज हम कैनवा के ऊपर एक एनिमेटेड वीडियो बनाना सीखेंगे जो कि हम अपनी फाइवर गिग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सिंपली उसके होम पेज से अब ब्लैंक वीडियो पर क्लिक करें तो ये एक पैनल खुल जाएगा आपके सामने। हम जो फाइवर गिग बना रहे हैं उसमें हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम जो है फाइवर के ऊपर कैनवा की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम उसके सोशल मीडिया पोस्ट और स्टोरीज वगैरह डिज़ाइन करते हैं किसी भी तरह के। यहाँ से कुछ तस्वीरें जो हमने पहले से बना कर रखी हुई हैं क्योंकि हम एक कैनवा की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग पहले से कुछ प्री मेड वीडियो जो हैं वो उनको अपलोड करके तो उनको हम अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल कुछ वीडियोज़ हैं जो कि हम लोग अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे बिकॉज हमने अपनी सर्विस शो कर रहे हैं हम कि हम यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट और स्टोरीज़ वगैरह वो सब कुछ जो है वो हम डिज़ाइन कर देंगे तो हम उसे कुछ टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर। तो ये ऐसा ऐसा हम इनको अपलोड करेंगे और इनको रीसाइज करके एक कोलाज सा बना लेंगे अपनी वीडियो को प्रेजेंट करने के लिए। इसके अंदर कुछ इंस्टाग्राम की पोस्ट हैं कुछ इंस्टाग्राम की स्टोरीज इनको अपलोड करने के बाद हम एक एक करके इन सबको एनिमेट कर देंगे सेपरेटली और हम इनको एनिमेट ऐसे करेंगे कि हम इनको बोथ इन और आउट दोनों पे एग्जिट में करेंगे ताकि जब हमारी वीडियो ख़त्म हो तो हमें एक ब्लैंक पेज सा इफेक्ट है जो कि बहुत अच्छा लगता है कि वीडियो के अंदर कि वो सब कुछ इन के बाद सब कुछ प्रॉपरली आउट हो जाए। तो हम एक एक करके इन सबको इन और आउट बोथ के लिए अपनी मर्जी का कोई भी चूज़ करके एनिमेशन हम इनको एनिमेट करेंगे। मैं अक्सर एनिमेशन की इंटेंसिटी लो रखता हूँ क्योंकि उससे इफेक्ट जो है थोड़ा लंबा हो जाता है और थोड़ा बेहतर लगता है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी इंटेंसिटी चूज़ कर सकते हैं। पिक्चर की अपलोड और एनिमेशन के बाद हम एक ऊपर इनके ऊपर एक लेयर लगाएंगे जो कि अभी बिल्कुल एक सॉलिड कलर के अंदर है। तो हम एक्चुअली प्रेजेंट करेंगे कि हमारा इफेक्ट ये होगा कि बैकग्राउंड में हमारी कुछ तस्वीरें और पोस्ट वगैरह आ जाएंगी, फ्रंट पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर आएगी, उसके ऊपर हम बताएंगे कि हम इसके अलावा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इसकी जो लेयर है इसकी हम ट्रांसपेरेंसी जो है सेट कर देंगे ताकि पीछे से तस्वीरें भी नज़र आएँ और फ्रंट पे हमारे पास टेक्स्ट लिखने की के लिए एक ब्लैंक कैनवस अवेलेबल हो जाए। तो जी ये एक सिंपल सा इफेक्ट आ रहा है जिसके अंदर हमने तस्वीरें लगा ली हैं और ऊपर एक ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट लेयर लगा दी। हम इसके ऊपर टेम्पलेट से या एलिमेंट से ढूंढेंगे कैनवा का लोगो और इसको क्योंकि हम कैनवा की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम इसके ऊपर कैनवा का लोगो लगा देंगे। ओके मुझे दूसरा लोगो थोड़ा बेहतर लग रहा है तो मैं ये वाला लोगो इस्तेमाल करूँगा। ये थोड़ा एनिमेटेड लोगो है तो इसको हम ऊपर रख के अपनी सेंटर कर देंगे इसकी पोजिशन। उसके बाद हम इसको भी जो है वो एनिमेट कर देंगे। डिफरेंट यहाँ पे एनिमेशन है, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के लिए। आप टेस्ट आउट करें जितनी भी हैं, जो को बेहतर लगता है अपनी वीडियो के लिए उसको यूज़ करें। तो मैं इस टाइम यह यूज़ करने लगा हूँ एनिमेशन के लिए। ओके उसके बाद आती है हमारी टेक्स्ट की बारी। तो मुझे टेक्स्ट के नीचे एक सेपरेट बैकग्राउंड लगाना अच्छा लगता है क्योंकि उससे टेक्स्ट थोड़ा सा वाजह हो जाता है। तो मैं एक एलिमेंट से एक जो है वो चूज़ कर रहा हूँ बॉक्स, इसको मैं रीसाइज करूँगा अपने टेक्स्ट के मुताबिक और इसका कलर चेंज करके ब्लैक करके इसके ऊपर अब मैं अपना जो है वो टेक्स्ट लिखूँगा। टेक्स्ट मैंने पहले से ही नोटपैड के ऊपर लिख के रखा हुआ है जो मैं सर्विसेज मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको रीसाइज कर लें, उसके ऊपर देख लेंगे क्या कितना कितनी जगह उस आपको चाहिए। और उसके बाद उसकी सेटिंग करने के बाद जो है हम इसको भी एनिमेट कर देंगे। मुझे तीन लाइनों में टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं उसी को डुप्लीकेट करके उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट ऐड करके उनको रीसाइज करके उनकी पोजीशन जो है वो सेंटर करता रहूँगा।
बाकी भी हम एनिमेशन में इन एंड आउट दोनों ही रखेंगे, ताकि जब हमारा वीडियो ख़त्म हो तो सारा कैनवस ब्लैंक हो जाए। तो उसके बाद हमारी एक लास्ट यूज्ड हमारी को टेक्स्ट इफेक्ट मुझे ऐड करना है अपनी गिग के अंदर, उसके मैं एलिमेंट और उसकी हेडिंग ऐड करूँगा। इसका प्री साइज़ कर लें अपने, अब ये थोड़ा सा मुझे बड़ा बड़ा टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इसका जो बॉक्स है वो भी थोड़ा बड़ा रखूँगा और इसके जो ऊपर जो टेक्स्ट आना है। आप समटाइम्स बॉक्स और टेक्स्ट इकट्ठा भी एनिमेट कर सकते हैं और आप इसको सेपरेट सेपरेट भी जो है वो एनिमेट कर सकते हैं। टेक्स्ट मेंशन करें, अभी हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है उसके अलावा, क्योंकि हमने इसके अंदर बता रहे हैं कि हम कितनी देर के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर देंगे, तो मैं इसको सबसे ज़्यादा इसको ऑल कैपिटल में करके इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा करके तो मैं इसको प्रॉपरली सेपरेट सेपरेट एनिमेशन कर रहा हूँ। इसकी इंटेंसिटी वगैरह सारा कुछ चेक करके वीडियो जो टाइम है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ ये 5 सेकंड्स की वीडियो होती है, लेकिन हम इसको 9 to 10 सेकंड्स ले जाएंगे ताकि जो हमारा एनिमेशन है वो थोड़ी लंबी हो जाए और दूसरा थोड़ी स्लो हो जाए। तो अब ये हमने उसका टाइम मैंने जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है 9 सेकंड्स। अब हमारी एनिमेशन जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है। जब कंप्लीट हो चुकी है तो अब हम एक लास्ट काम करेंगे, हम इसमें लगाएंगे ऑडियो ताकि थोड़ा सा वो साउंड इफेक्ट्स इंक्रीज ताकि थोड़े साउंड इफेक्ट ऐड हो जाए हमारी वीडियो के अंदर। ये कुछ उनके दिए हुए हैं कैनवा के ऑडियो, आप इनको सुन के तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा लगाना है, या फिर आप खुद अपलोड करके भी अपनी मर्ज़ी का ऑडियो लगा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है mixkit.com से एक ऑडियो, मुझे पसंद है तो मैं ये यूज़ करूँगा अपनी वीडियो के लिए। तो ये हमारी वीडियो रेडी हो गई है, तो अभी हम इसका नाम चेंज करेंगे और इसके बाद इसको शेयर करके क्लिक करके तो इसको डाउनलोड कर लेंगे, तो फिर हम इसको अपलोड कर सकते हैं अपनी फाइबर किक के पेज के ऊपर। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे कुछ ट्यूटोरियल्स पोस्ट करता रहूँगा कैनवा के भी और दूसरे सॉफ्टवेयर्स के भी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।